हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बेटा आज जो अपन टॉपिक देखेंगे, थर्ड वीडियो है ह्यूमन एयर, इसमें अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे पूरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म और रेनबो फॉर्मेशन। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू क्या पढ़ते हैं? ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है? क्लियर? तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, रिफ्रैक्शन कराना है ग्लास प्रिज्म के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में आता है। प्रिज्म लेंगे, फिर लाइट आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, वापस पास हो जाएगी। क्लियर? दो नॉर्मल बनेंगे, एक तो ये नॉर्मल बनेगा और एक ये नॉर्मल बनेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं अपन, बाहर वाले को कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, इसको बोलते हैं इमर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं? इमर्जिंग। इसमें दो नॉर्मल मिलने का कारण क्या है बेटा? जैसे लाइट, ठीक है, दो बार पास हुई, दो बार इसकी स्पीड क्या हुई? चेंज है, इसके कारण दो नॉर्मल बनते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा। सिंपल, अब इस रे को मैं क्या करूंगा? एक्सटेंड। यहां से क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा, और इस रे को यहां से एक्सटेंड करूंगा। इस पॉइंट को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन बोला जाता है इसको, और ये होता है प्रिज्म का एंगल, जिसको अपन एंगल ए बोलते हैं। ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर, और ये होता है एंगल ई। क्लियर? ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। इस डायग्राम से आपके क्लियर होगा कि भाई रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म कैसे है। क्लियर? कुछ नहीं करना, प्रिज्म बनाएंगे, एक रे पास होगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर वो वापस बाहर निकल आएगी। पहली वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट। कुछ नहीं करना बेटा, प्रिज्म बनाएंगे, लाइट आएगी, पास होगी। अब इस रे को एक्सटेंड करना है, और इस पीछे से इस रे को एक्सटेंड करना, ये जो बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल ऑफ डिविएशन किसके बीच में एंगल है? इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में। क्लियर? तो एंगल ऑफ डिविएशन की डिफाइनमेंट पूछी जाती है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन? तो अपन को एंगल ऑफ डिविएशन की डिफाइन क्या लिखनी है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट। इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर? देखते हैं अब इनमें सबसे अपन ने क्या क्या चीज यूज की वो बताने पड़ती है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, केवल डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा। इस डायग्राम के केवल 1 मार्क है, बाकी 2 मार्क्स थ्योरी के। अब 2 मार्क्स की थ्योरी में क्या लिखना है? व्हेन इंसिडेंट रे इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट रिफ्रैक्टेड्स, देन अगेन इट रिफ्रैक्टेड्स एंड मूव्स अलोंग इमर्जेंट। क्लियर? एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये केवल रिफ्रैक्शन बता दिया अपन ने, उसके बाद अपन, अगर आपको 3 मार्क्स पूरे चाहिए तो ये देख लीजिएगा। आप ये बता दीजिए कि इस हर का नाम अपन ने क्या दिया था? मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए रखा है, ये मैंने दिया ए बी सी और ई। ए बी जो है वो कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। बी सी जो है वो कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और सी डी जो रे है वो कौन सी हो गई? इमर्जेंट। क्लियर हुआ कि भाई ए बी का नाम इंसिडेंट, बी सी का नाम रिफ्रैक्टेड और सी डी का इमर्जेंट। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा ध्यान रखना एंगल किसके बीच में बनता है? एक कॉरेस्पॉन्डिंग रे और एक नॉर्मल, यानी ये जो एंगल आई है वो किसके बीच में बना है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। हमेशा ध्यान रखना एंगल आई किसके बीच में बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंगल आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो किसके बीच में बनेगा? रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल रे। एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, किसके बीच में बनेगा? इमर्जेंट रे और नॉर्मल। क्लियर हुआ? अब एंगल डी, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ये क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट। इमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डिफाइन एंगल डी। क्लियर? तो एंगल डी की डिफाइन क्या होगी? एंगल बिटवीन इंसिडेंट
कन्वर्जन है, सेम है रेक्टेंगुलर स्लैब से जैसे अपन रिफ्रैक्शन कराते थे सेम प्रिज्म कराना, कोई और कोई लोचा नहीं होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, इतना आप पढ़ लेंगे बहुत काफ़ी आपके लिए। क्लियर? 3 मार्क्स पूरे आप ला सकते हैं इसलिए, केवल इसमें ये बताना पड़ता है आपने टर्म्स कौन कौन सी यूज की और क्या हुआ। अपन को ये पता है रिफ्रैक्शन होता है, ग्लास प्रिज्म किसकी तरह बिहेव करता है, लेंस की तरह बिहेव करता है, लाइट जाएगी रिफ्रैक्ट होगी और बाहर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो कैसे बनता है? रिकॉम्बिनेशन अपन ने देख लिया था, रेनबो फॉर्मेशन देखिएगा। सभी को पता है रेनबो कब बनता है? आफ्टर द शावर ऑफ रेन। ठीक है, आफ्टर द शावर ऑफ रेन। क्लियर? द सनलाइट passes through tiny droplets which act as prism। होता क्या है बेटा, जो पानी की बूंदे होती है यानी वॉटर की ड्रॉपलेट्स जो होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है, जैसे उससे सनलाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में रिफ्रैक्ट होती है जिसके कारण क्या बनता है? रेनबो। अब रेनबो 3 फिनोमिना के कारण बनता है। पहले तो ये समझ लो रेनबो में तुमको लिखना क्या पड़ेगा, व्हाई रेनबो इज फॉर्म्ड। तो आफ्टर द शावर ऑफ रेन द सनलाइट पासेस थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स व्हिच एक्ट एज अ प्रिज्म। क्लियर? द प्रिज्म डिस्पर्स द लाइट इनटू 7 कलर्स और वो प्रिज्म कौन है? टाइनी ड्रॉपलेट्स यानी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेगी? 7 कलर्स में उसको डिस्पर्स कर देगी। ये समझिए वाटर ड्रॉपलेट, ये सनलाइट अपनी। क्लियर? सन से जो लाइट आ रही है ये लाइट आएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे लाइट इसमें एंटर करती है तो 2 कलर में डिवीड होती है। हमेशा ध्यान रखना ये होगा रेड वायलेट, यानी विद्यु और मैं पूरा लिख रहा हूँ, 7 कलर्स को मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, रेड और वायलेट लिख दिया और यहाँ पे भी रेड और वायलेट। क्लियर हुआ? आप पूरी 7 कलर लाइन्स बनाएंगे, इससे अच्छा 2 लाइन्स बना दीजिए जिससे आपको पता पड़ जाएगा विग्योर है वी और आर, आर डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले आर आता है और वी आता है। क्लियर? और रिफ्रैक्ट होगा तभी पहले आर आएगा और वी आएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटा अब यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन में 3 फिनोमेना यूज हुए, अंदर तो हुआ टोटल रिफ्लेक्शन भाई, रेन ड्रॉप से वो पास नहीं हुई, वो क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है। तो रिफ्लेक्ट होने के कारण उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर ही पूरा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। फर्स्ट फिनोमेना तो ये हुआ, सेकंड डिस्पर्जन भी हुआ है, 7 कलर्स डिस्पर्जन की वजह से दिखते हैं। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। यानी पहला तो हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा हुआ डिस्पर्जन और तीसरा आपका फिनोमेना जो है वो है रिफ्रैक्शन। क्लियर? रिफ्रैक्शन भी यूज हुआ है, लाइट इधर से पास होकर वापस बाहर निकल गई, इसी को रिफ्रैक्शन फिनोमेना कहा जाता है। तो 3 फिनोमेना के कारण आपका क्या हुआ है? रेनबो का फॉर्मेशन। नंबर 1 इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इज डिस्पर्जन एंड द लास्ट 1 इज रिफ्रैक्शन। क्लियर? कुछ नहीं है, पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, जैसे सनलाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिस्पर्स, जिससे क्या बनता है? रेनबो। क्लियर हुआ रेनबो फॉर्मेशन? नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट अब इस चैप्टर के रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा एक एक आंसर, नहीं तो आप गलती करेंगे और वो आपको भारी कब पड़ेगी? बोर्ड्स में इसका फिक्स है, रीजनिंग क्वेश्चन एक आता है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन? अपने अर्थ के एटमोस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं और सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है, कुछ ज्यादा स्पीड वाली होती है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और कुछ में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? मिनिमम। तो उसके कारण जो रिफ्रैक्शन होता है, द रिफ्रैक्शन थ्रू एटमोस्फेरिक लेयर्स इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझिएगा, द रिफ्रैक्शन
through the layers of atmosphere is known as, यानी एटमोस्फेयर की लेयर्स क्या करती है, रिफ्रैक्शन कराती है, उसी को बोलते हैं अपन एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन, उसी को क्या बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर समझ में आया? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो क्यों होता है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज के लिए, यानी हर लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसके कारण वो अलग अलग तरह से रिफ्रैक्ट कराती है। अब ये होता कहाँ है, इसके फिनोमिना कौन से हैं, अपन डेली लाइफ में जो फिनोमिनास देखते हैं वही इसके फिनोमिना है। नंबर वन आपको डेली फिनोमिना समझाता हूँ, जैसे आपने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, वही साहब के कारण एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। 2 मिनट पहले सनराइज और 2 मिनट डिलेड सनसेट भी इसके कारण होता है, एटमोस्फेरिक। अपन को स्काई थोड़ा सा हल्का सा जो स्टार होते हैं वो स्काई में थोड़ा से ऊपर दिखते हैं, वो भी किसके कारण, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैं आपको दो तीन बताता हूँ फिनोमिना, क्लियर, दो तीन तो क्या सारे बताने पड़ेंगे। देखो फिनोमिना रिलेटेड टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ AR, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। नंबर वन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड नॉट एंड प्लैनेट्स, ट्विंकलिंग स्टार्स होती है, प्लैनेट्स में नहीं होती, उसका कारण भी क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको ये फिनोमिना याद है, क्वेश्चन आया व्हाई स्टार्स ट्विंकल, तो आप केवल ये भी लिख दो ना ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो टीचर आपको मार्क्स देगा, वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं मार्क्स नहीं दूंगा। ये है कि भी आपको थोड़ा और एलैबोरेट करना पड़ेगा, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आप केवल ये भी लिख देते ना ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो 3 मार्क्स में से आपको 1 मार्क इजीली मिल जाएगा, और 2 मार्क्स का होगा तो भी हाफ या 1 मार्क्स इजीली दे देगा, इन्विजिलेटर जो होगा वो इजीली दे देगा, क्लियर। नेक्स्ट है स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई, इसका मतलब स्काई में अपन को स्टार्स हल्के से क्या दिखते हैं, ऊपर ऊपर दिखने का कारण भी कौन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज एंड सनसेट, डिलेड सनसेट, यानी हमेशा ध्यान रखना लीप ईयर का कारण आपको बताता हूं मैं आज, लीप ईयर क्यों आता है, लीप ईयर आने का कारण क्या है भैया, सन जब राइज होता है वो 2 मिनट पहले होता है, रिफ्रैक्शन के कारण सन 2 मिनट पहले ही राइज कर जाता है, क्लियर। और सनसेट होता है 2 मिनट बाद, यानी टोटल कितने मिनट का डिफरेंस आया, 4 मिनट्स का। ये 4 मिनट्स 4 साल घूमकर एक दिन बनाते हैं पूरा, 4 मिनट्स हर डे में आता है, क्लियर। ये 4 मिनट्स आफ्टर 4 ईयर्स, यानी आफ्टर 3 ईयर्स जो 4th ईयर आएगा वो अपना लीप ईयर हो जाता है, क्यों, ये 4 मिनट बनकर एक पूरा दिन बनाता है, जिसके कारण 29 फेब आती है जो अपना लीप ईयर गिना जाता है, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट उसके कारण, क्लियर। नेक्स्ट है सन की जो डिस्क होती है वो अपन को फ्लैट अपीयर होती है, सन की जो शेप होती है वो अपन को क्या अपीयर होती है, फ्लैट, सन डिस्क फ्लैट नहीं होती है, इसका कारण है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये फिनोमिना हो गए अपने एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब बेटा देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होती है और प्लैनेट्स की क्यों नहीं। देखो भाई पहला तो अपना रीजन ये रहेगा ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी स्पेस में जो एयर होती है वो एयर बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्पेस में लाइट की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम, और अर्थ में वही स्पीड क्या होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण उनको स्टार्स क्या करते हुए दिखते हैं, ट्विंकल, समटाइम्स ब्राइट समटाइम्स डिम, यानी कभी तो चमकते हुए दिखेंगे कभी एकदम डिम, चमकते हुए डिम, जिसके कारण उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग, क्लियर। जैसे ट्यूबलाइट करती है जब जब, कभी तो ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, वैसी ट्विंकलिंग किस्म होती है स्टार्स में।
अब ये होती किसके कारण है? ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसका रीजन बिकॉज देखो स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, आया ना? बिल्कुल सही है। स्टार्स क्या है? बहुत अपन से दूर है। एंड स्टार इज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी स्टार जो है वो अर्थ के लिए क्या है? पॉइंट सोर्स, यानी डॉट, क्लियर? डॉट लाइट है। इतना ज्यादा स्टार की लाइट से अपन को इफेक्ट इतना पड़ता ही नहीं। अपने अर्थ पे स्टार की लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास में अगर कोई लाइट आके हेडलाइट जलाता है, कार आके हेडलाइट जलाती है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। वही एक किलोमीटर दूर जलाएगा तो आपको इफेक्ट होगा नहीं होगा? सेम चीज, स्टार इतने दूर है कि उसकी लाइट का इफेक्ट अपने अर्थ पे पड़ता ही नहीं। तो स्टार इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, वेन द लाइट कम्स इन टू द अर्थ समटाइम इट अपीयर्स ब्राइट एंड समटाइम्स इट अपीयर्स डार्क। अब क्या होता है? अपीयर्स यानी वो जो लाइट है इतनी दूर से आती है कि भाई कभी तो ब्राइट आ जाती है और कभी क्या जाती है? डल। वो डल और ब्राइट आने के कारण है जिसके कारण अपन को स्टार क्या दिखते हैं? ट्विंकलिंग करते हैं। अब प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखते हैं? प्लैनेट्स अपने पास में, पहली चीज ये तो लिखना है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज प्लैनेट्स आर वेरी नियर अवे या नियर टू द अर्थ। क्लियर? सो और दे आर नॉट पॉइंट सोर्स, तो उनकी जो लाइट आती है कभी ब्राइट आती है कभी डल नहीं, दोनों एक साथ आती है जिसके कारण दोनों क्या हो जाती है? कैंसल आउट, जिसके कारण प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। प्लैनेट्स की लाइट्स क्या हो जाती है? कैंसल आउट होती है। प्लैनेट्स बहुत पास में है जिससे उनकी लाइट क्या हो जाती है? कैंसल आउट, और अपन को वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। क्लियर? प्लैनेट पॉइंट सोर्स नहीं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लैनेट नहीं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, इसके बाद स्टार अपीयर हायर इन द स्काई। ये क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूं, बहुत सिंपल वाला है। स्टार सीम्स टू अपीयर हायर इन द स्काई। स्टार क्या होते हैं? थोड़े से ऊपर दिखते हैं, यानी ऐसे समझो ये अपनी आई है। स्टार की एक्चुअल पोजीशन भी होती है, लेकिन स्टार को दिखता कहाँ है? यहाँ अपीयर, यहाँ एक्चुअल पोजीशन स्टार की है, लेकिन हल्का सा ऊपर दिखता है। इसका कारण भी क्या है? ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका आंसर क्या लिखते हैं बेटा? अर्थ के बाहर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग है, अर्थ के अंदर क्या है? अलग। वो रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण स्टार का दिखते थोड़ा सा ऊपर। सेम चीज आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बकेट लो, वाटर फिल करो, उसमें डालो पॉइंट, पॉइंट हल्का सा कहाँ दिखेगा? ऊपर। हल्का ऊपर दिखने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। सेम चीज इसके साथ हो रही है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट में जो अपनी अर्थ की एयर है वो डेंसर है, क्लियर? और जो स्पेस में जो वैक्यूम है वो क्या है? रेयरर। तो लाइट का इतना चेंज आता है जिसके कारण वो क्या हो जाती है? बेंड। और बेंड होने के कारण अपन को क्या दिखता है? स्टार थोड़ा सा ऊपर। क्लियर हुआ? स्टार ऊपर दिखने का कारण। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सन अपीयर क्यों होता है? सनराइज 2 मिनट पहले और सनसेट, देखो एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट दोनों समझ लेना। एडवांस सनराइज पहला आंसर आपको ये लिखना है कि भाई ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनसेट डिलेड क्यों होता है? देखो ये होता है होरिजन, ये अपन ये भैया अपन खड़े हैं और सनराइज देखने वाले हैं। लोग बात होता है ना सनराइज देखते हुए, उनको बहुत पसंद है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये होरिजन रिफ्रैक्शन लाइन, ठीक है? सन होता है यहाँ, बट अपन को दिखता कहाँ है? यहाँ। उसका कारण क्या है समझ लेना।
सन की एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ होती है बट दिखता आप उनको हल्का सा ऊपर है, ये होता है रिफ्रैक्शन इसके कारण, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन बिलो द होरिजन अपियर्स टू बी अबाउ द होरिजन टू मिनट्स बिफोर ठीक है, मतलब दो मिनट पहले ही सन होता होरिजन के नीचे लेकिन दिखता कहाँ है ऊपर ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्लियर, और सनसेट होता है तब वो चला तो नीचे जाता है लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन के कारण तुमको कहाँ दिखता है ऊपर, तो सनसेट दो मिनट लेट हो गया, सनराइज दो मिनट पहले हो गया यानी चार मिनट का अंतर आया। आपने सुना होगा अपना जो एक डे होता है वो 23 hours 56 minutes का ही होता है, किसी से भी पूछ लेगा यही होता है अपना पीरियड ऑफ टाइम, वो जो चार मिनट होते हैं वो अपन खा गए ना भाई, सनराइज दो मिनट पहले कर दिया और सनसेट को दो मिनट लेट कराया जिसके कारण 4 minutes का डिफरेंस आया, यही चार साल में एक लीप ईयर दे देता है। 3 साल बाद जो अभी ये साल था अपना 2020 ये लीप ईयर था क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ा हुआ था, क्यों बढ़ा हुआ था 17, 18 और 19 में, और 16 में भी अपन ने क्या किया है अपनी आंखों से अपन ने एडवांस सनराइज और डिलेट सनसेट कराया है जिसके कारण 4 मिनट का डिफरेंस आया। क्लियर, ये नेचुरल फिनोमिना है, ये अपने आप होता है, आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ती। 23 hours 56 minutes का एक डे होता है, वो 4 मिनट का डिफरेंस हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, होता कहाँ सन है बिलो द ओरिजिन, दिखता कहाँ है अबाउट द ओरिजिन। क्लियर, जिसके कारण रिफ्रैक्शन के कारण सनराइज भी होता है, फिर सनसेट होने के टाइम चला तो वो नीचे जाता है लेकिन दिखता कहाँ है ऊपर, तो 2 मिनट और ऊपर दिखता है जिसके कारण डिलेट सनसेट होता है। क्लियर, अब 2 मिनट का डिफरेंस क्यों है ये भी समझा दिया बेटा, 2 मिनट तक उसकी पोजीशन ऐसी रहती है जहाँ तक अपन को दिख सके, 2 मिनट बाद वो अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो रिफ्रैक्शन भी बिलो द ओरिजिन ही होता है। ठीक है, ये जब तक ओरिजिन के पास है तब तक ऊपर दिखेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो अपन को अबाउट द ओरिजिन नहीं दिखेगा, हमेशा ध्यान रखना दिखेगा कभी भी बिलो द ओरिजिन, जो अपन देख नहीं पाएंगे इसलिए वो रहते रहे। फिर हुआ यहाँ तक के लिए इतना ही आज बेटा, अगली क्लास में अपन जो अपना बचा है पार्टिकल्स की स्केटरिंग पढ़ेंगे, टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा अगली क्लास में।